चिड़ावा शहर से एक और बड़ी खबर, सोई हुई नगरपालिका जाग चुकी है। नगरपालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी के निर्देश पर अधिशासी अधिकारी जुबेर खान पहुंचे जोगियों के मोहल्ले। अधिशासी अधिकारी भी मजबूर हुए गंदे पानी में नंगे पांव चलने को। अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त आपका अपना पायल हॉस्पिटल आपकी सेवा में दिन रात तत्पर। ECHS RGHS अधिकृत सुविधाएं 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के साथ, विश्वास का एक ही नाम। आप देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स। चिड़ावा शहर में जल भराव की समस्या जगह जगह देखने को मिली। मानसून की पहली ही बारिश ने दिव्यांग के घर से बेघर कर दिया। आपके अपने चैनल शिवनगरी द्वारा चिड़ावा कॉलेज के सामने जोगियों के मोहल्ले में पीड़ित लोगों की कहानी बयां करने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी खुद मौके पर परिवार में शोक के चलते खुद नहीं पहुंच पाई, लेकिन उन्होंने निर्देश देकर अधिशासी अधिकारी जुबेर खान को मौके पर जरूर भेज दिया। और अधिशासी अधिकारी जुबेर खान के साथ कनिष्ठ लिपिक संजय चौधरी, SI नरेंद्र सिंह शेखावत, सफाई कर्मचारियों सहित जेटिंग मशीन लेकर मौजूद रहे। अधिशासी अधिकारी ने दिव्यांगजनों के घर जाकर उनकी समस्या जानी और उन्होंने साथ में अन्य घरों में दरारें आ चुकी थी उनकी समस्या जानी और उन्हें आश्वस्त किया कि नगर पालिका हर कदम आपके साथ है। अधिशासी अधिकारी जुबेर खान भी वर्षा के पानी में नंगे पांव चलने को, तब पूरा स्टाफ भी उनकी नैतिकता को देख सभी पानी में चलकर मौका निरीक्षण किया, जिसकी सभी उपस्थिति सराहना कर रहे थे। हर कोई यही कहता हुआ दिखाई दिया कि अधिशासी अधिकारी जुबेर खान ने जो कहा है वो जल्द ही हो जाए तो नगर पालिका का हम लोग भी आभार व्यक्त करेंगे। अधिशासी अधिकारी जुबेर खान क्या कहते हैं वह भी सुनिए। मानसून से पहले हमने कुछ जगह चिन्हित कर रखी थी जहाँ पे बारिश के समय पानी इकट्ठा होने की संभावना थी, तो यहाँ पे कॉलेज ग्राउंड के पास में हमने एक डिग्गी भी बनाई थी, क्योंकि उसका कनेक्शन नहीं होने की वजह से अस्थायी तौर पे एक बार जो हमने व्यवस्था कर रखी है उसमें थोड़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि ये जोगियों का मोहल्ला है, यहाँ पे जो भी घरों में निवासरत हैं उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो जैसे ही हमें सूचना मिली तुरंत हमारी टीम जो है पहले से यहाँ पे लगी हुई थी, तो मैंने मौके पे निरीक्षण किया इस जगह का। तो यहाँ पे जो दो तीन घर है जो ज़्यादा प्रभावित हैं उन घरों में भी अंदर जाके वहाँ की स्थिति हमने देखी और उनको पूरी तरह आश्वस्त किया कि अगर उनको किसी भी समय किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो नगरपालिका टीम उनके लिए पूरी तरह तैयार है। उनकी अगर कोई शिफ्टिंग भी हमें करवानी पड़े तो उसके लिए भी हम शिफ्टिंग की व्यवस्था भी करवाएंगे, उनके खाने की व्यवस्था भी नगरपालिका करवाएगी, क्योंकि एक बार अस्थायी तौर पर जो भी मड पंप है हमारे जो भी टैंकर है उनसे पानी निकाला जा रहा है और इसका स्थायी समाधान जैसे ही जो कनेक्शन होगा बिजली का उसके बाद ये है कि ज़्यादा तीव्रता से और कम समय में यहाँ से जो पानी है वो निकासी हो पाएगी। सर, दिव्यांग जनों के भी यहाँ पर जो घर है उनमें भी पानी गया है, उनकी भी काफ़ी बड़ी समस्या हो गई थी उनके। बिल्कुल, यहाँ पे राधेश्याम जी है, उन्होंने फ़ोन किया था कि इस तरह से दिव्यांग जन रह रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने मौका देखा है वहाँ पे और सभी जो दिव्यांग जन है उनको यही आश्वस्त किया है कि आप घबराए नहीं, निश्चिंत रहें, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तो मानसून समय में उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए सभी जो हमारे कर्मचारी है उनको निर्देशित किया गया है, हम उनके लिए पूरी तरह तत्पर हैं। और सर, लाइट का कनेक्शन है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है, कितना समय हुआ? उनको हमने दो दिन पहले भी नोटिस जारी किया है कि अगर इस तरह की व्यवस्था में कोई भी खामी रही तो आपकी जवाबदेही होगी, तो उनकी तरफ से ढील बढ़ती जा रही है। अब उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि सामान नहीं है हमारे पास, हमारा जो भी कर्मचारी है टेक्निकल स्टाफ है वो डेली विजिट करता है वहाँ पे और उनको बार बार हमारे द्वारा कहा जा रहा है कि आप जो है तुरंत यहाँ पे कनेक्शन की व्यवस्था करवाइए। स्थाई समाधान यही है इसका, जो कनेक्शन होने के बाद में जो सीवरेज का चैम्बर है उसके थ्रू पानी जो है जल्दी, जो रूटीन का जो पानी रहता है यहाँ पे घरों का जो पानी है वो तो सामान्य रूप से निकल जाएगा, बारिश में एक तरफ अपनी डिग्गी का होगा और दूसरी तरफ अस्थायी रूप से अपने जो दूसरे साधन है वो लगा के यहाँ के निवासियों को पहले की तुलना में काफी राहत मिलेगी। जिन घरों में दीवारें आई है उनका क्या है? उनको हमने नोट डाउन कर लिया है जिन घरों में दीवारें वगैरह हैं और जो पुरानी हवेली है उसको भी चिन्हित किया गया है, उसकी वजह से जो है आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा है, तो उन हवेली वालों को हम आज ही नोटिस देके और उनको हम 3 दिवस का नोटिस जारी करेंगे कि 3 दिवस में स्वयं अपने स्तर से हटाने की व्यवस्था कर लें, नहीं तो नगर पालिका जो है इस हवेली को जो है ध्वस्त करने का फिर कार्य करेगी। पब्लिक सुरक्षा और कहाँ पर ये व्यवस्था की जा रही है आपके द्वारा और कहाँ पर क्या मौका मुआयना किया गया है? हमने जो मुख्य सूरजगढ़ मोड़ है, खेतड़ी मोड़ है, कबूतरखाना एरिया है, मेन मार्केट है,
बाईपास की तरफ है, वहाँ हमने मौका निरीक्षण किया है। जहाँ जहाँ नालों में, बड़े नालों में डाट मिली है वो निकलवाने के निर्देश दिए हैं। जेसीबी वगैरह जो है, सारे संसाधन हमारे तैयार हैं। स्टाफ को भी मानसून के समय ज़्यादा एक्टिव रहने के लिए पाबंद किया हुआ है। तो पूरी टीम है, मिलजुल के काम कर रही है और पहले की तुलना में हम जो है अच्छा काम करेंगे, हम निश्चिंत करते हैं। और कोई भी हमारा जो आप लोग, आम लोगों को कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो तो स्टाफ के सभी के नंबर जो है हमने हेल्पलाइन नंबर कंट्रोल रूम बना रखा है, तुरंत फोन करें, मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पे फोन करें, किसी भी समय रात के समय किसी भी समय फोन करें, हमारी पूरी टीम जो इनके सहयोग के लिए तत्पर है। क्षेत्रवासी गौशाला रोड के लिए काफी प्रयासरत है लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, उसकी भी हालत खराब है। हाँ, गौशाला रोड है, उसका प्रपोजल हमने जो है बना के भिजाया, उसमें कुछ चेंजमेंट था क्योंकि उसकी जो हमने दोबारा पेमाइश करवाई तो उसका जो एस्टिमेट है वो चेंज हो रहा था, तो वो दुरुस्त करवा के जल्दी उसका भी कार्य हम शुरू करवाएंगे। आज सुबह लोक सेवा ज्ञान ट्रस्ट के कार्यालय में हमारे पास दिव्यांग बाबूलाल और नरसिंह योगी आए थे, उन्होंने अपनी समस्या बताई। उस समस्या को देखने के लिए मैं और हमारे तहसील प्रभारी रजनीकांत जी मिश्रा यहाँ पहुँचे, तो वास्तव में ही समस्या बहुत विकराल थी, उनके मकान पड़ने की स्थिति में है। हमने तुरंत विशेष योग्यजन आयुक्त श्री उमा शंकर जी शर्मा को फ़ोन लगाया, उन्होंने हमें कहा कि आप वहीं रहिए, मैं अभी एसडीएम साहब को और ईओ को आपके पास भेजता हूँ। लेकिन हमें सूत्रों से मालूम चला कि एसडीएम साहब तो आज यहाँ है नहीं, छुट्टी पे है या कुछ भी है, उन्होंने तुरंत प्रभाव से ईओ को भेजा है। ईओ ने मौका मौना देखा और स्थिति को देखते हुए जो दिव्यांग बाबूलाल का परिवार है उसको शिफ्टिंग करने का निर्णय लिया गया है, जो अम्बेडकर भवन में, उनको आज या कल शिफ्टिंग कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी खाने की पीने की नगरपालिका की होगी। और जो समस्या थी, जो सोमानियों के नोरे की एक समस्या है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि हम शीघ्र ही उनको नोटिस जारी करके और उनको इस समस्या के बारे में अवगत कराएंगे और नगरपालिका से इसका शीघ्र समाधान करेंगे। धन्यवाद।